क्यों डेडपुल का डांस बढ़िया था और शी हल्क की घटिया। देखो डेडपुल का कोर टीम के क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस तो पिछले दो मूवीज से देखते आ रहे हैं। ओपनिंग क्रेडिट सीन से ही हमको वो अमेजिंगली हुक करते हैं, फिल्म की टोन को सेट करते हैं। कुछ राइटर्स स्क्रिप्ट लिखते वक्त गाने सुनते लिखते हैं। डायरेक्टर एंड राइटर शॉन लेवी भी बहुत गाने सुन के ये थर्ड फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है। उसमें से एक गाना था बाय बाय। 100 गानों में से वो इस गाने को फाइनल करके प्रोफेशनल डांसर को मास्क पहना के डांस करवाया। The main point here is you first have to like the character to love what they do। हम डेडपुल को पहले से ही लाइक करते हैं। वो गाना कैची था, कोरियोग्राफी बहुत सही थी, ओवरऑल ऑल ओवर वाइबिंग ऑन इट, इसीलिए वो इंटरनेट पर फट गई। लोगन इतना लाउड एंड पॉपुलर कैरेक्टर था, उसको ग्रेट एंडिंग भी मिला। लिटरली उसके ग्रेव को खोद के उसकी एडमेंटियम स्केलेटन से मार मार के पीस पीस करता है, फिर भी वी डोंट माइंड बिकॉज इट वॉज डन इन सच अ टेस्टफुल वे एंड ऑल्सो द फैक्ट इज वी लव डेडपुल। शी हल्क की बात करें तो वो कोई लाइकेबल लवेबल कैरेक्टर नहीं है, थैंक्स टू द राइटर्स डायरेक्टर एंड मार्वल स्टूडियोज। वो फर्स्ट एपिसोड से ही बॉर्डर लाइन एरोगेंट दिखती है, ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाते। और फिर आई वो थर्ड एपिसोड की मिड क्रेडिट सीन, शी हल्क एंड मेगन थी स्टैलियन के ट्वर्किंग। सच में वो बहुत क्रिंज थी और शी हल्क के CGI एंड एनिमेशन बेकार। सीरीज में भी वो सीन कोई खास वैल्यू एड नहीं करती। आप क्या सोचते हैं कॉमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।